देखो, पहले लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि 52 कैंडिडेट्स हैं जो फ्रेश हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में नए जनरेशन को, नए लोगों को भी मौका दिया है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स हैं। इफ़ यू लुक एट द कांग्रेस लिस्ट एंड आवर्स लिस्ट, देर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज इन आवर लिस्ट न्यू जनरेशन को एकोमोडेट किया है और उसी के साथ साथ पुराने लोग हैं उनको भी समन्वय बनाया है और नए को भी काफ़ी मौका दिया है। इसलिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं और यह मान के चले कि यह हमारी लिस्ट बहुत सबको समायोजित करते हुए SC ST OBC सभी को इसमें महत्व दिया गया है और अच्छी लिस्ट है। सब इसकी सराहना कर रहे हैं, पूरा का संगठन खुश है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सेकंड लिस्ट कब रिलीज होगा यार? सर बहुत जल्दी, वेरी सुन। देखिए, उनसे बात करेंगे लेकिन उनको डिप्टी CM भी पार्टी ने ही बनाया, MLC पार्टी ने ही बनाया और जो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गौरव प्राप्त होता है काम करने का और सबसे बड़ी पार्टी है विचारधारा के आधार पर चलने वाली, तो वह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सौभाग्यशाली होते हैं कि ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं। यदि सभी को सोच समझ के ही निर्णय ही लेना चाहिए, हम सब ठीक कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गौरव प्राप्त होता है काम करने का और सबसे बड़ी पार्टी है विचारधारा के आधार पर चलने वाली, तो वह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सौभाग्यशाली होते हैं कि ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं। यदि सभी को सोच समझ के ही निर्णय ही लेना चाहिए, हम सब ठीक कर लेंगे।